সবচেয়ে প্রথম অ্যারেস্ট করা উচিত নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহকে। সবচেয়ে প্রথম অ্যারেস্ট করা উচিত নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহকে। কংগ্রেসের জায়গায় যদি আমি দিল্লিতে থাকতাম না, নরেন্দ্র মোদীর কোমরে তড়ি বেঁধে জেলে ঢুকিয়ে দিতাম। आप तो इतना प्यार करते हैं, दीदी बहुत नाराज है। और जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता जाता है, उधर दीदी का गुस्सा बढ़ता जाता है। दीदी को इतना गुस्सा आया है, इतना गुस्सा आया है कि दिन में 200-500 बार तो मुझे याद करती है। आधा भाषण मोदी को समर्पित होता है। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी ढिंकना है, मोदी फलाना है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। दीदी, आपका हर शब्द मेरे लिए तो आशीर्वाद है। दीदी, आपके मुंह से कुछ भी निकले, मेरे पास आते आते वो फूल बन जाता है। लेकिन दीदी, आपने अभी ये कहा, दीदी आपने अभी ये कहा कि मोदी को तो रस्सा बांध करके जेल में डाल दूंगी, ऐसा कहा है ना? अरे दीदी, देखिए ऐसा क्यों करती हो आप? आपको वेस्ट पश्चिम बंगाल की जनता पर आर्थिक बोझ डालने की क्या जरूरत है? आप रस्सा खरीदने के लिए टेंडर निकालोगी, 100 रुपये के रस्से के लिए 10,000 का टेंडर आएगा, शारदा चिटफंड वाले टेंडर भरेंगे, फिर रस्सा आएगा, फिर वो रस्से की क्वालिटी रिजेक्ट होगी क्योंकि मोदी को पकड़ना है ना, तो फिर दूसरा टेंडर निकलेगा, तो 10,000 का रस्सा आएगा, पश्चिम बंगाल की जनता को नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो दीदी, आप रस्से का खर्चा मत करो, बस मुझे बता दो कि इस जेल में जाना है, मैं खुद चला जाऊंगा। ऐसा खर्चा नहीं करते जी।